हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पहले ये समझना ज़रूरी है। जब आप फिजिक्स का स्टडी करेंगे तो फिजिक्स के स्टडी के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट जो इसेंशियल है, जो जानना ज़रूरी है, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी करें, चाहे आप मेडिकल की तैयारी करें, इस पर्पस से अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हम आज के क्लास में फर्स्ट लेक्चर में अप्लाइड मैथमेटिक्स के उस पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसका कि कुछ बात आप 9th-10th क्लास में भी पढ़े होंगे, वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लेक्चर का पहला स्टार्टिंग हमारा सिंबल से है, मैथमेटिकल सिंबल से। मैथमेटिकल सिंबल में जो फर्स्ट रो में हमने लिखा है, आप लोग फर्स्ट रो देख रहे होंगे, ये फर्स्ट रो में अल्फा बीटा गामा, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, अल्फा बीटा गामा नेम सभी को पता होगा। ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये साइन से भी आप लोग वाकिफ होंगे। इन्फिनिटी भी कुछ लोग पढ़ते हैं, इन्फिनिटी या फिर इन्फिनाइट, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये प्रोपोर्शनल का साइन हो गया, ये पैरेलल का साइन हो गया, इसको हम लोग इक्वल अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं। इक्वल अप्रॉक्सीमेटली मतलब इक्वल का जो साइन देते हैं उसमें थोड़ा सा कर्व करके देते हैं, तो उसको हम लोग समझते हैं कि कोई भी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर सेकेंड रो में हमको देखें कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसका कि नेम भी हमने लिखा है। हो सकता है कि आप पहले नहीं पढ़े होंगे, ज़्यादातर चांसेस वही है, बट अगर आपने पढ़ा भी है तो समझिए रिपीट हो रहा है। ये सिंबल डेल है और ये डेल्टा है, देखने में दोनों एक जैसा लग रहा होंगे, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि ये जब डेल हम लिखते हैं तो ये पीछे के साइड मुड़ा हुआ है और ये डेल्टा जब लिखते हैं कि आगे की ओर मुड़ा हुआ है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप अपने सर पर बाल को जब पीछे की ओर कर लेते हैं तो वह डेल है, आगे की ओर गिरा लेते हैं तो डेल्टा है। लेकिन इसी के साथ में डेल्टा दो सिंबल अलग अलग है और नेम सेम है। यहाँ पर जो कंफ्यूजन का कारण था कि मिलता जुलता है पर थोड़ा सा चेंज है, ये पीछे की ओर गिरा हुआ है या आगे की ओर गिरा हुआ है, लेकिन इसमें आप देखें तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये दोनों बिल्कुल अलग है और नेम दोनों का क्या रहा है, सेम नेम सेम आ रहा है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, दोनों डेल्टा ही बोला जाता है, बट दोनों का अप्लीकेशन का सेंस अलग अलग है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको इन बातों को याद रखना है, ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है। थोड़ा सा इन दोनों पर आप नजर डालें, इन दोनों में क्या डिफरेंसेज आपको दिख रहा है, ये डेल्टा और ये डेल्टा, ये ग्रेडियंट बोलते हैं और ये डेल्टा है। आप यूँ बोल सकते हैं कि डेल्टा को आप उल्टा लटका दीजिए तो ये ग्रेडियंट है, मतलब मेरा सेंस है कि उल्टा लिख दीजिए, उल्टा आपने लिखा कि ग्रेडियंट हो गया। ग्रेडियंट और डेल्टा दोनों सेम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इसका पॉइंटेड पोर्शन ऊपर है, इसका पॉइंटेड पोर्शन नीचे है। इसके बाद ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्मॉल लेटर एम का राइट साइड आप एक्सटेंड कर देते हैं तो ये ईटा कहलाता है। ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 10th-9th-10th क्लास के बाद आपको बिल्कुल न्यू लग रहा होगा, इसलिए इस पर फोकस करना, सेकेंड रो पर फोकस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड रो का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने आपको बताया है, ये सेकेंड रो का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 9th-10th के बाद। इसमें से हो सकता है इसका इस्तेमाल 9th-10th में कहीं आपने किया होगा, बट बाकी सबका इस्तेमाल आपने नहीं किया होगा। खैर जो भी है, इन सब बातों को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट थर्ड रो में जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें पढ़ना है, ये PHI 5, PSI 7, CHI 5, ध्यान देंगे CHI ची नहीं पढ़ेंगे, चाय नहीं पढ़ेंगे, CHI 5 पढ़ेंगे। ये
ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपका लैम्डा है। क्या है ये? लैम्डा। आप पहले भी हो सकता है पढ़े होंगे लैम्डा। ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन आपका क्या है? म्यू, यम यू, मू नहीं पढ़ेंगे, म्यू पढ़ेंगे, यम यू, न्यू, नू नहीं पढ़ेंगे। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, म्यू और ये न्यू है। यहाँ से आप आगे बढ़ें तो ये चौथे रो में जो हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखा है एप्सिलॉन, कुछ लोग इसको एप्साइलन भी पढ़ते हैं, एप्सिलॉन, टॉ, ओमेगा, ध्यान देंगे ये ओम, कुछ लोग याद पहले से रखे होंगे नाइन्थ टेंथ में ओम पढ़े होंगे, बट नाम इसका ओमेगा है। ओम इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस के यूनिट के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपने किया होगा, इसलिए इसका रियल नेम ओमेगा के बजाय ओम बोलने के हमको याद पड़ गया होगा, लेकिन रियल में ये भी ओमेगा है और ये भी ओमेगा है। नेक्स्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पर हम लोग चलें तो सिग्मा, ये सिग्मा जो हम देख रहे हैं ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा है, नेम सेम है बट दोनों सिंबल अलग अलग है। ये समेशन के लिए यूज होता है, एडिशन, बहुत सारे वैल्यू को लगातार ऐड करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं समेशन। और ये क्या है हमारा? समेशन, सम के लिए यूज हो गया समेशन, और ये सिग्मा, दोनों का नेम सिग्मा ही है बट यूज दोनों का अलग अलग है। और इसके बाद नेक्स्ट बात में जो रख गया रो, आर एस ओ रो, नेक्स्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जितने भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ से आप देख रहे हैं, रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड, रो फोर्थ, ये चारों रो में जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने बताया है, इसमें जो पहले से याद है सही है, जो नहीं है घर पर दो तीन चार बार इसको लिखने का आप प्रयास करें, रिपीट करके याद हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी की ओर। फिजिक्स में इम्प्लीमेंट होने वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट। इन्फिनिटी का मतलब वेरी लार्ज होता है। आप ऐसे सोचें कि इन्फिनिटी का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे टीचर भी इस तरीके से आपको बताएंगे कि एंडलेस, जिसका अंत होता ही नहीं है। लेकिन फिजिक्स में हम लोग इस सेंस में यूज करते हैं कि जो वेरी लार्ज वैल्यू है उसको हम लोग इनफिनाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए कि अगर एक किलोमीटर लंबे रस्सी को आप ले लीजिए और किसी दूसरे दोस्त के हाथ में एक सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, तो आप जरा सोचिए कि आप के दोस्त के हाथ में 1 सेंटीमीटर रस्सी है और आपके हाथ में 1 किलोमीटर लेंथ का रस्सी है, तो 1 सेंटीमीटर से जब आप कंपेयर करेंगे तो 1 किलोमीटर वेरी लार्ज वैल्यू है। तो आप कह सकते हैं कि जिसके हाथ में 1 सेंटीमीटर है वो बहुत छोटा वैल्यू है, और जिसके हाथ में 1 किलोमीटर है वह वेरी लार्ज वैल्यू है, वही इन्फिनाइट है। आपके घर में अगर 1000 लीटर वाटर रखा हुआ है उसको सोचिए और कंपेयर कीजिए कि किसी समंदर में कितने नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर रखे हुए हैं, उसकी जब तुलना करेंगे तो समंदर का जो पानी है, समंदर में जो नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर है वह आपका इन्फिनाइट होगा, और आपके घर में जो रखा हुआ वाटर है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, बहुत छोटा वैल्यू है। इस सेंस में हम वेरी लार्ज का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा यहाँ देखिए कि मैथमेटिकल अप्लीकेशन वेरी लार्ज का हम कैसे देते हैं। कैपिटल एन वाई, कैपिटल लेटर एन डिवाइडेड बाई इन्फिनाइट इक्वल टू जीरो, इन्फिनाइट से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे वो जीरो होगा। क्यों? तो कोई भी नंबर जब लेते हैं तो वह तो बहुत छोटा वैल्यू लेते हैं, और इन्फिनाइट जब लेते हैं तो उसके कंपेरिजन में ये वैल्यू क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो ये बहुत बड़ा वैल्यू है और ये बहुत छोटा वैल्यू है, जब डिवाइड करेंगे तो ये जीरो तो नहीं होगा लेकिन जीरो के काफ़ी करीब होगा, इसलिए इसको हम लोग जीरो लिखते हैं। एन इज एनी नंबर।
इसी के पैटर्न पर आप देखें, जीरो को अगर इधर ले आए और इसको इधर लेते चले जाएं कि ये क्या हो जाएगा, यन वाई जीरो इक्वल टू इनफिनाइट। ध्यान से देखें, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये और ये दोनों आपका एक ही है, यन वाई इनफिनाइट जीरो या यन वाई जीरो इनफिनाइट, केवल हमने इसको हेरा फेरी किया है, इसको इधर और इसको इधर किया है। सेकेंड रो में कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी के सेकेंड रो में वन का पावर इन्फिनिटी इक्वल टू वन लिखते हैं। क्यों? आप सोचिए कि वन को अगर बार बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू वन वन, वन इंटू वन वन, वन इंटू वन ऐसे ही होता जाएगा, इसका वैल्यू कभी भी ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो वन टू द पावर इन्फिनाइट वन है, एन का पावर इन्फिनिटी जब लिखेंगे तो एन का पावर इन्फिनिटी लिखेंगे तो इन्फिनिटी होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ एन ग्रेटर देन वन, अगर n का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब ऐसे केस में इसका वैल्यू इनफिनाइट होगा। एग्जांपल के लिए e टू द पावर इनफिनिटी इक्वल टू इनफिनिटी हमने लिखा है, जहां पर e का वैल्यू 2.718। ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पहली बार ये रिप्रेजेंटेशन मिल रहा होगा कि e 4 एक्सपोनेंशियल होता है और एक्सपोनेंशियल का वैल्यू इतना होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये वैल्यू आया कहां से। आप याद रखिए, जैसे पाई का वैल्यू 3.14 आप याद रखते हैं, याद है आप लोगों को, पहले पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में कहीं पर, पाई का वैल्यू 3.14 जैसे आप याद रखते हैं, उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल का वैल्यू e का वैल्यू 2.718 होता है। अब जरा सोचिए, 2.718 पर इंफिनिटी पावर है, तो 2.718 को लगातार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा वैल्यू होगा कि उसको वेरी लार्ज वैल्यू आई में इन्फिनिटी हम लोग बोल सकते हैं। अब यहां के बाद देखें, ये इन्फिनिटी जो वैल्यू आया है e का वैल्यू 2.7 n टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, n टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। क्यों ये जीरो होगा? जब n का वैल्यू लेस देन 1 लेंगे, जब 1 से छोटा वैल्यू आप कोई लेते हैं, जैसे 1 बाई 2 का पावर इनफिनिट, तो अलग अलग सोचेंगे तो 1 का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया और 2 का पावर भी इन्फिनिटी हो गया, तो 1 का पावर इन्फिनिटी 1 हो जाएगा और 2 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा और ये वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो n टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो इफ n लेस देन 1, तो वैल्यू आपने पढ़ा है n टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा और n टू द पावर इन्फिनिटी 0 होगा इफ n लेस देन 1 होगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी के बाद एक दो बातें और एक्सटेंड करें। e का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हमने पढ़ा, e का पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होगा। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, आप इसको केयर करें, फिजिक्स में इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, e का पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो होता है। ये मैसेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, e का पावर माइनस इन्फिनिटी 1 बाई e का पावर इन्फिनिटी इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखें कि जीरो होने के पीछे रीजन क्या हुआ, e का पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी मैंने पहले आपको समझाया था, अब यहाँ पर e का पावर माइनस इन्फिनिटी जब लिया इसको नीचे ले जाएंगे तो 1 बाई e का पावर इन्फिनिटी होगा इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होता है। क्यों नहीं डिफाइंड होता है? आप जरा सेंस लगाएं, वेरी लार्ज वैल्यू ये है बट कितना ही आपको पता नहीं है, और ये भी वेरी लार्ज वैल्यू है। आप ऐसे सोचिए कि एक समंदर में कितना लीटर वाटर का है और दूसरे समंदर में कितना लीटर वाटर का है, हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों वैल्यू वेरी लार्ज है, तो इसका सब्ट्रैक्शन करके फाइनल वैल्यू क्या आएगा ये कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए डिफाइन नहीं होता है। डिवीजन में भी वही बातें हैं, एक बड़ा वैल्यू है दूसरा भी बड़ा वैल्यू है, बट ये बड़ा वैल्यू कितना है और ये कितना टाइम्स इसका है छोटा या बड़ा, ये कहना मुश्किल है, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड हम लोग रखते हैं। लेकिन
इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। क्यों? तो जब बहुत बड़ा वैल्यू में से कुछ भी ऐड करेंगे तो वह वैल्यू बढ़ेगा ही, वह वैल्यू बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, इसलिए बढ़ता और बड़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू, वेरी लार्ज वैल्यू को ही तो हम इन्फिनिटी समझते हैं, इसलिए इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी प्लस माइनस यन इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कोई भी नंबर को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इन्फिनिटी ही होगा। ये ठीक उसी तरीके का बातें हैं कि जैसे समंदर में कुछ लीटर वाटर ले जाकर आप डाल दें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि समंदर का लेवल बढ़ गया है, या समंदर में से कुछ लीटर ऑफ वाटर को हम निकाल लें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि समंदर का लेवल घट गया है। उस सेंस में आप सोचें कि इन्फिनिटी होगा। तो अभी तक अप्लाइड मैथमेटिक्स में हमने दो टॉपिक स्टडी किया है, एक सिंबल और दूसरा कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। सिंबल और कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी के बाद अब नेक्स्ट स्टडी हम लोग करेंगे थर्ड, रेडियन, डिग्री, साइन, कॉस एंड टैन वैल्यू। तो सबसे पहला बात आपको याद रखना होगा या पहले से समझ रहे होंगे, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। पाई जिसका वैल्यू 3.14 या 22/7 जो आप लिखते हैं उसी कोण ने पाई रेडियन लिखा है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होगा। अब यहाँ से देखें कि 30 डिग्री का वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए दिया जाए तब क्या करेंगे आप 30 डिग्री के लिए, तो 1 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 180 रेडियन है, तो 30 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 180 इंटू 30 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट यहाँ से होगा, तो ये कैंसिलेशन के बाद पाई बाई 6 रेडियन रह जाएगा। तो पाई बाई 6 रेडियन 30 डिग्री का वैल्यू। उसी तरीके से 90 डिग्री कैलकुलेट करना है, तो पाई बाई 180 इंटू 90 इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। अब जरा सोचिए, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कुछ वैल्यू है, उसको हम डिस्कस करें। पाई बाई टू अभी आपने देखा 90 डिग्री, या ऐसे सोचिए 180 डिग्री पाई, तो 90 डिग्री पाई बाई टू। इसका हाफ हमने किया कि हाफ हो गया, इसका 1/3 किया तो ये भी 1/3 हो गया, इसका 1/4 हमने किया तो ये भी 1/4 हो गया। 1/6 इसका करेंगे, पाई बाई 6 1/6, तो इसको 6 से डिवाइड आप कर दीजिए तो 30 डिग्री हो गया। अब उसी तरीके से पाई बाई 3 अगर 60 डिग्री है तो 2π/3 120 डिग्री, तो 3π/4 135 डिग्री। यहाँ से आप देख लीजिए 5π/6 150 डिग्री, π/6 इंटू 5 150 डिग्री। ये रेडियन और डिग्री का रिलेशन था, जो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट 9th 10th क्लास में भी स्टडी किए हों, उन्हें पता होगा, बट जिस भी स्टूडेंट को ये पता नहीं है वो इसको याद रखें। इसके बाद एक टेबल हम आपको स्टडी करवाने जा रहे हैं, इस टेबल पर आप क्लियर करें। ये टेबल 9th 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पर आपका लिमिटेशन ये था कि जो स्टार हम लगा रहे हैं 37 डिग्री पर, ये वैल्यू आप वहाँ याद नहीं रखते होंगे। 37 डिग्री याद नहीं रखते होंगे, 53 डिग्री याद नहीं रखते होंगे, ना 0 से 90 डिग्री में बाकी सारा वैल्यू आप याद रखे होंगे। जो स्टूडेंट पहले से नहीं भी याद रखे हैं, फिर से आपको याद करना है। 30 डिग्री में साइन का वैल्यू क्या होता है, 45 में क्या होता है, 60 में क्या होता है, 90 में क्या होता है, यहाँ तक आपको याद था। और 37 और 53 डिग्री हमने एक्स्ट्रा आपको याद करने के लिए दिया है। लेकिन बात रह गया 90 डिग्री के बाद का वैल्यू, जो 9th 10th में आपने नहीं स्टडी किया था, उस पर आप जरा सा फोकस कर लें। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 90 के बाद याद रखने की जरूरत नहीं है, एक सेंस आप डेवलप करेंगे तो उस सेंस से ही आपको याद रहेगा। 120 डिग्री में 60 डिग्री जब हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री मिलता है, 127 डिग्री में 53 डिग्री अगर हम ऐड करते हैं तब 180 डिग्री मिलता है। तो आप सर्च कीजिए कि 120 डिग्री में कितना ऐड करेंगे तो 180 होगा, वैल्यू रिपीट करता है। तो 120 का रिपीटेशन 60 वाला से हो रहा है, 127 का रिपीटेशन देख लीजिए किससे हो रहा है, 53 डिग्री वाला से, 135 डिग्री का रिपीटेशन 45 डिग्री वाला से, 150 का 30 डिग्री वाला से, और 143 का 37 डिग्री वाला से, और 180 का
जीरो प्लस। साइन में सारा रिपीटेशन प्लस के साथ होता है और कॉस और टेन में ये रिपीटेशन माइनस के साथ होता है। ऐसा इसलिए कि 90 डिग्री से 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है और कॉस और टैन का वैल्यू नेगेटिव होता है। इन बातों को आपको याद रखना है। ऐसे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट कंसेप्ट में कि कहां कहां पर किस किस क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होता है और कौन सा वैल्यू नेगेटिव होता है। अब जरा ध्यान आप देखें, साइन पर ये वैल्यू हमने लगाया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? इस एरो का मतलब है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, 0 से 90 डिग्री की ओर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, एंगल बढ़ रहा है, वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो साइन इंक्रीजिंग वैल्यू दे रहा है। थीटा बढ़ने से, एंगल बढ़ने से इसका साइन का वैल्यू बढ़ रहा है, जबकि कॉस का वैल्यू आप देखें ये 0 से 1 हुआ है, ये 1 से 0 हो रहा है। इसमें आप देखें टैन में ये 0 से इनफिनाइट हो रहा है। तो टैन और साइन में ये एरो का मतलब है कि ये 0 से 90 के बीच इंक्रीज करता है, जबकि कॉस का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसीलिए डिक्रीज के लिए एरो ऐसे हमने दिया है और इंक्रीज के लिए एरो ऐसे दिया है। अब ये टेबल में 37 और 53 पर खास आपको ध्यान रखना है, और इधर जब भी जरूरत पड़े तो आप बैक होकर देखिए कि किससे ऐड करने पर हमें 180 डिग्री मिलता है। वैल्यू तो इसके अलावा भी होता है, बट इस टेबल में हमने उन्हीं सब वैल्यू को रखने का कोशिश किया है जो फिजिक्स में हमारा डायरेक्टली और बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होने वाला होता है। चलिए अब यहाँ से हमने अभी तक फिर से थोड़ा सा बैक होकर सोच लें, सिंबल के बारे में पढ़ लिया, कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी पढ़ लिया, इसके बाद रेडियन, डिग्री, साइन, कॉस और टाइम का स्टडी करते हुए उसका टेबल का स्टडी हमने किया है। अब यहाँ से आगे साइन कॉस से रिलेटेड कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है जो फिजिक्स में काफी इंप्लीमेंटेड होता है, इसको हम लोग केयर करें। इसमें साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको आपको याद रखना होगा। वीवीआई में लिखा है, डबल एरो लगाया है, फॉर्मूला ये भी है, ये भी है, याद आपको दोनों रखना है, बट ये एक पर एक फ्री है। एक पर एक फ्री मैंने क्यों कहा, आप देखिए इसको जब याद रखेंगे इसके प्लस के जगह पर आप माइनस कर दीजिए और इसके प्लस के जगह पर माइनस कर दीजिए, इस फॉर्मूला के बाद ये फॉर्मूला अपने आप डेवलप हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा ये एक पर एक फ्री है। तो ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको याद रखा 1 और इसको उसी से लिख लिया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों को आप ऐड कर दीजिए। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आप देखिए तो एडिशन के बाद जो वैल्यू मिल रहा है, एडिशन के बाद जो वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू है क्या, साइन ए प्लस बी, ध्यान से देखें, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब यहां से आपको देखना है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी में ए प्लस बी को अगर सी हम लोग कंसीडर कर लें और ए माइनस बी को डी, तो इसके जगह पर सी और इसके जगह पर डी, तो आप देखिए कि यही वैल्यू आपका साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगेगा। फिर से थोड़ा सा रिपीट करके बता रहे हैं, जब इसको आपने ऐड किया था तो क्या मिला, इसको ऐड करने के बाद ये प्लस माइनस वैल्यू कैंसिल आउट हो गया और इसके कैंसिलेशन के बाद जो वैल्यू है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो 2 टाइम्स है तो 2 साइन ए कॉस बी। आप जरा देखें तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई 2 का वैल्यू बी से भी कैंसिल आउट हो गया, फिर से ये a मिलेगा। यहाँ से आप देखें तो a प्लस बी माइनस ए माइनस बी है, यहाँ पर अगर आप मैनिपुलेट करेंगे तो a और a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से b मिल जाएगा, तो b के बदले हम इतना लिख सकते हैं, a के बदले इतना लिख सकते हैं। फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ कि जब a प्लस बी को हम c ले रहे हैं कि ये c हो गया, ये d हो गया, तो ये आपका c प्लस डी हो गया और ये c माइनस डी हो गया, तो एक नया फार्मूला मिल गया, साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू
टू साइन सी प्लस डी वाई टू कॉस सी माइनस डी वाई टू मैंने वी वी आई लिखा है। फिजिक्स में एक ही दो चैप्टर में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट इस फॉर्मूला को भूल ही जाते हैं। बट मैं कहूँगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट में आपको नहीं आना है, आपको ज़्यादातर स्टूडेंट से अलग होना है और वह अलग होने के लिए ये फार्मूला आप याद रखेंगे। कभी भी आप अगर भूल जाते हैं तो इसका जो फॉर्मेट है, प्रूफ करने का तरीका है, इसको आप माइंड करें। अगर ये दोनों फार्मूला याद है तो ऐड करके कभी भी इसको आप लिख सकते हैं। केवल ध्यान देना है कि ए प्लस बी की जगह पर हमने सी ले लिया और ए माइनस बी की जगह पर डी ले लिया। अब सी और डी कोई भी दो वैल्यू हो सकता है, चाहे ए प्लस बी के टर्म में आप लिखें या ए माइनस बी के टर्म में लिखें या ना लिखें, एक जनरल फार्मूला ये बन गया। अब जैसे आपने दोनों को ऐड किया तो थिंक जब ऐड किया था आपने तो ये कैंसिल हुआ, ये बच गया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा, तो सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये बच जाएगा, तो कॉस ए और साइन बी, तो देखिए वही पढ़ा रहा है, साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी वाई टू ए के जगह पर और बी के जगह पर सी माइनस डी वाई टू। तो ये दूसरा फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। इसको याद रखने में परेशानी क्या होता है कि किस में साइन पहले है किस में कॉस पहले है, तो प्रूफ में जैसा आया है आप देख सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी में साइन पहले कॉस बाद में और माइनस वाला में कॉस पहले साइन बाद में। इस तरीके से जैसे हमने कहा कि इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उसी पैटर्न पर फिर से एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको ये मिल रहा है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्या फर्क है दोनों में ध्यान से देखिए, तो वहां पर साइन कॉस मिक्सअप था बट यहाँ कॉस कॉस एक साथ है, एक साथ है कॉस कॉस एक साथ है, साइन साइन एक साथ है। जब ए प्लस बी आपने लिखा तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, जबकि ऊपर में ऐसा नहीं था, प्लस था तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस होगा तब प्लस, ये बात आपको ध्यान में रखना। तो वन टू जैसे मैंने कहा था वन के साथ टू फ्री में मिल रहा है आपको, उसी तरीके से थ्री के साथ फोर भी फ्री में मिल रहा है। अब एक याद रखें, दूसरा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसी से आप कभी भी समझ सकते हैं। अब जैसे दो फार्मूला एक्स्ट्रा हमने वन और टू के हेल्प से प्रूफ किया था, उसी तरीके से थ्री और फोर के हेल्प से दो फार्मूला फिर प्रूफ करें। वहाँ हमने एडिशन किया था, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन जो हमने लिखा है शॉर्टकट में समझ लेंगे आप लोग, एस यू बी एन हमने दिया है, सब्ट्रैक्शन है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब ध्यान से देखें, मैंने माइनस किया है इसमें से, तो जब माइनस किया है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा, तो ये बचेगा माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी, तो माइनस टू इंटू साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ से ए प्लस बी और ए माइनस बी में ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है। आप जानते हैं कि कॉस में जब एंगल बड़ा होता है तो वैल्यू छोटा होता है, यहाँ पर एंगल छोटा है तो वैल्यू बड़ा होगा, यहाँ पर एंगल बड़ा है तो वैल्यू छोटा होगा, इसलिए बड़ा वैल्यू को मैंने पहले रख दिया और छोटा वैल्यू को बाद में कर दिया। तो साइड इधर चेंज किया, तो साइड चेंज करने से ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी वाई टू साइन सी माइनस डी वाई टू, एक न्यू फार्मूला हमें मिल गया। अब यहाँ पर जो फर्स्ट लेक्चर में हमने फार्मूला बताया, फिर से ऊपर से देखें, इक्वेशन वन आपको याद रखना है, इक्वेशन थ्री आपको याद रखना है, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, उसी से जो फार्मूला हमने प्रूफ किया है साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी, मैंने पहले ही कहा ये सब फार्मूला बहुत कम ही स्टूडेंट को याद रखता है, उस स्टूडेंट के कैटेगरी में आपको नहीं आना है, उससे अलग बनना है आपको, इसलिए ये दोनों फार्मूला एक याद रखेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखें कॉस डी माइनस कॉस सी का फार्मूला आप याद रख लें, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन से इसको प्रूफ किया है, एडिशन से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क हम छोड़ रहे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, प्रूव दैट कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी वाई टू कॉस सी माइनस डी वाई टू, इसको आप प्रूफ करेंगे।
साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थर्ड नंबर कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी प्रूफ आपको करना है। टैन टू थीटा इक्वल टू टू टैन थीटा वाई वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा वाई टू, ये सब प्रूफ के लिए हम आपको हिंट देंगे। ये टू थीटा में आप इसको थीटा प्लस थीटा ले लीजिए तो एक थीटा ए के जगह पर हो जाएगा, दूसरा थीटा बी के जगह पर हो जाएगा, ये ए प्लस बी के फॉर्मेट से ये प्रूफ होगा। यहाँ पर भी आप एक काम करेंगे, टू थीटा को आप थीटा प्लस थीटा ले लेंगे तो एक ए होगा दूसरा बी हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी के फॉर्मेट से इसको हम प्रूफ कर लेंगे। फिर टैन टू थीटा के लिए साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई कॉस टू थीटा करेंगे, साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई कॉस टू थीटा करेंगे तो टैन टू थीटा प्रूफ हो जाएगा। इन्हीं सब प्रूफ के बाद इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क रह गया, इसको आप लोग घर पर सॉल्व करेंगे। जो नहीं होगा अगले क्लास का कंटिन्यूटी हम इसके प्रूफ से ही पढ़ेंगे, लेकिन क्लास को आज का क्लास एंड करने से पहले हम थोड़ा सा फिर से बैक होकर रिपीट कर लेना पसंद करेंगे कि आज के क्लास में आपने क्या पढ़ा है। एक मिनट में हम कंक्लूड कर रहे हैं, लास्ट मिनट हमारा क्लास का है। सबसे पहला आपने सिंबल पढ़ा है, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है सिंबल, इसको मैंने क्या कहा था लिख कर याद करना है, दो तीन बार लिखेंगे जैसे बचपन में टेबल बार बार लिखा करते थे वैसे ही आप लिखेंगे, उम्मीद है याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी टोटली समझने वाली बात है, आप समझ लेंगे, कहीं भी डाउट रहेगा नोट करके रखेंगे, अगले क्लास में हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी सिंबल, ये दो कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा रेडियन डिग्री साइन कॉस टाइम में एक टेबल, टोटली याद रखने वाली बात है बट आपके आपको आसान करने के लिए आपके सुविधा के लिए हमने क्या किया है कि केवल 37-53 डिग्री पर फोकस किया है, क्योंकि बाकी वैल्यू आपको याद था और 90 के बाद जितने वैल्यू है उसको मैंने कहा याद रखना नहीं है, बल्कि उन बातों को सोचिए कि कौन सा एंगल के साथ वह 180 डिग्री एडिशन दे रहा है, उसके साथ वो वैल्यू रिपीट करेगा। साइन का रिप्लेसन प्लस के साथ होगा, कॉस और टैन का रिप्लेसन माइनस के साथ होगा, और इसके बाद एक फार्मूला ये आपको याद रखना है साइन ए प्लस बी, दूसरा कॉस ए प्लस बी। इतने फार्मूला के बाद ये सारा प्रूफ की ओर हम बढ़ रहे हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स में आगे का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर हम बढ़ेंगे, जहाँ से फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला, फिजिक्स में यूज होने वाला जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको हम अगले क्लास में और डिस्कस करेंगे।